छोटे गवर्नमेंट एग्जाम से लेके बड़े से बड़े गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम तक के लिए सभी में यही प्रोसेस फॉलो होता है। और मैंने अपनी जॉब्स के साथ में मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब होती थी उसके साथ में अपने लगभग 4 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं और कुछ लोगों को करवाए भी हैं। अब तो कुछ नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोगों को करवाए भी हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके सारे मतलब जो डाउट्स हैं तैयारी से कि तैयारी कैसे करनी चाहिए वो हमेशा दिमाग में रहता है कि कभी ये बुक पढ़ूंगा, कभी वो पढ़ूं, कौन सी ना पढ़ूं, ठीक है, किस तरीके से पढ़ूं, किस तरीके से ना पढ़ूं। तो ये जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको अपना जो फोकस है बिल्कुल पढ़ाई पर आ जाएगा आपका। और फिर आपको अपना जो 2 साल का या 3 साल का जो भी आपका एम होगा, जहाँ पहुँचने का एम होगा, वो क्लियर दिखाई देगा, आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक अगर मैं एक वर्ड में आपको कहूँ कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे पहुँचेंगे, तो एक वर्ड है उसके लिए आपका रिवीजन। लेकिन जो ये रिवीजन जितना हम इजीली मैं बोल पा रहा हूँ या लोग बोलते हैं कि रिवीजन कीजिए, उतना इजी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट के पास आपके सपोज कीजिए, एक सब्जेक्ट के अंदर 10 आपके टॉपिक्स होंगे, 2 के अंदर फिर 10 होंगे, 3rd के अंदर 10 होंगे। तो हमारे पास क्या होता है, इतना टाइम नहीं पड़ता, हमें इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो हम इनका रिवीजन कब करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन रिवीजन के बारे में एक चीज़ और अच्छी चीज़ ये है कि अगर हमने कोई चीज़, ये 10 टॉपिक्स अगर हमने लाइफ में किस एक टाइम पढ़ लिए हैं और उनको पढ़ते पढ़ते हमें लगा है 3 महीने, ठीक है, 3 मंथ्स, तो हम अगर रिवीजन की बात करें तो हम इसे 1 वीक में रिवाइज कर सकते हैं, ये सभी को पता है। अब यहीं से पूरा जो है सीक्रेट निकल के आता है। मैं आपको प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से कहता हूँ कि पेशेंस के साथ आप लोग देखिए। और मैं जो नोट्स बनाता हूँ इसी प्रोसेस के थ्रू ही बनाता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको कहूँ कि मैं जो मिडिवल हिस्ट्री है उसे, पूरी मिडिवल हिस्ट्री उसे 3 घंटे में, लगभग 3 आवर्स में कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर एंशंट हिस्ट्री की मैं बात करूँ, तो रिवीजन की बात करूँ, तो मैं उसे लगभग 20 मिनट्स में रिवीजन कर लेता हूँ पूरा। मॉडर्न अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो उसे भी, यहाँ मैंने 3 आवर्स कुछ ज़्यादा बोल दिए हैं वैसे, लेकिन आपको 2 to 3 आवर्स में मैं इसे रिवीजन कर लेता हूँ मिडिवल। अगर मुझे ज्योग्राफी की बात करनी है कि ज्योग्राफी के लगभग जो इंडियन ज्योग्राफी है उसे मुझे लगभग 2 घंटे लगते हैं रिवीजन करने में, क्योंकि जॉब भी है बाकी काम भी हम कर रहे हैं साथ में। तो ये जो रिवीजन का है ये सीक्रेट, मैं आप लोगों के साथ में फिर से आ जाते हैं टॉपिक पे वापस, ठीक है, वो न्यूज़ चैनल वाली बात नहीं करते हैं बार बार एक ही बात को। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स अभी छोड़ दीजिए। आ जाइए फिर टाइम स्लॉट्स पे कि आपके पास 1 घंटा, फिर आपके पास 2 3 4 5, ये आपके क्या क्या हैं, एक एक घंटे का टाइम हम इसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका 2 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया, और ये 4 घंटे हो गया, और ये आपका 5 हो गया, तो 5 आवर्स हैं आप लोगों के पास में। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि शुरुआत आप डे फर्स्ट में आप क्या करेंगे, डे फर्स्ट में इसे क्लीन कर लेते हैं एक बार। तो डे फर्स्ट से हम शुरू करेंगे, डे फर्स्ट में हम एक मिनट इसे क्लीन कर लिया जाए यहाँ से तो ठीक रहेगा। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, डे फर्स्ट में हम इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। ए सब्जेक्ट को हमने शुरू किया, हमारे पास 1 घंटा था, हमने उसे 1 घंटा पढ़ा है। बी सब्जेक्ट को भी हम उसी दिन शुरू करेंगे और उसे भी हम 1 घंटा पढ़ेंगे। सी सब्जेक्ट को भी हम इसी तरह से उसी दिन शुरू किया है। अब जो हमारा लास्ट वाला है, पांचवा जो आवर है, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। 4 घंटे हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, हमने 4 घंटे क्या किया है, रेगुलर स्टडी किया है। और इस रेगुलर स्टडी में जो पांचवा घंटा था, पांचवें घंटे में हमने
रिवीजन करना है, ये पांचवा कौन सा है हमारा, रिवीजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो जाएगा ये हम कब पढ़ेंगे, इसे अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी हम खाली क्या कर रहे हैं, इस पांचवें घंटे में हम ये जो 4 हमने घंटे पढ़ा था उस 5वें घंटे में हम उसका रिवीजन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, और अब हो सके तो एक पेज बनाइए, और इस पर जब ये वीडियो फिनिश हो जाए आप लोग इसे देख लें, तो एक बार इसे फिर से क्विकली देखिए पूरा वीडियो, और फिर उसको जो मैंने बताया है चीज़ें उन पेज पर एक बार फिर से लिखिए, ठीक है। इतना इजी होता अगर इसे समझाना तो मैं आज तक बना चुका होता इस वीडियो को, ठीक है, लेकिन इतना इजी नहीं है, नहीं था अभी तक। और फिर मैंने प्रोसेस पूरा पेज पे लिखा आप लोगों के लिए, फिर उसे समझाने की पूरी कोशिश करने की भी मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, तो होपफुली कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास क्या है, 4 आवर में हमने ये 4 सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब 5वें घंटे में हम इन 4ों को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये हमारा अभी एक सब्जेक्ट यहाँ पर अभी छूटा हुआ है, इसे ध्यान दीजिए। तो अब हमें क्या करना है, 1 वीक तक हम इसे इसी प्रोसेस में चलते रहेंगे, और 5वें घंटे में हम इसे रिवीजन जरूर करेंगे। जो भी हम ऊपर पढ़ेंगे उसे हमें हर दिन 5वां घंटा जो है उसे उसे उसको जब हम रिवीजन करते रहेंगे तो हमारा जो 20 to 30% जो हमारा नॉलेज होगा, जो भी हमने गेन किया है 4 4 घंटे में पढ़ के, वो स्ट्रांग होता जाएगा। जब आप इसे लगभग 4 वीक तक चलाइए, 4 वीक का मतलब आपका लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने तक इस प्रोसेस को आप टोटल चलाते रहेंगे। 1 महीने बाद क्या होगा कि कोई एक आपका इसमें से सब्जेक्ट, माना कि आपका ए सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, जो सबसे इजी है उसको आप फिनिश कर लिया आप लोगों ने। अब आप क्या करेंगे कि उस एक सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, और सिर्फ यहाँ पर जो आपका 5वां आवर था उस 5वें आवर में क्या करेंगे आप, 5 जो था आपका उसको, इसको भी आप लगभग 3 स्लॉट में तोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 5वें घंटे को आपने 3 स्लॉट में तोड़ दिया है, 1 2 3 मीन्स 20 20 मिनट्स का आपने स्लॉट में तोड़ रखा है, ठीक है। अब जो आपका ये फिनिश हुआ है सब्जेक्ट, इसे आप पर डे 20 मिनट क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखिए। और जो आपका नया सब्जेक्ट जो कि रह गया था जिसे आपको स्टडी करना, उसे आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे ऊपर। अब आपका जो फर्स्ट वाला आवर है, फर्स्ट वाला आवर था जो, उसमें आपका नया नई चीज़ आप यहाँ स्टडी करेंगे, और ये जो 4 चल रहे थे आपके, ठीक है, तो ये देखिए क्योंकि आप इन चीज़ों को अभी क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, 3 घंटे जो आप चल रहे थे पढ़ रहे थे, 1 वीक से आप लोग उसे पढ़ रहे हो, यहाँ आप उसे रिवीजन करते रहेंगे जो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट का, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो कोई भी एग्जाम होगा आप उसे इजीली निकाल लेंगे। अभी मज़ा आएगा आपको जब आप इसको पूरा लास्ट में समराइज सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि यही एक चीज़ थी जो मैं नहीं कर पा रहा था, और इसी की वजह से मेरे एग्जाम रुक रहे थे। और मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंट हूँ लगभग हर एग्ज़ाम के लिए, जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, मैं खुद सोचता हूँ कि ये क्यों ना मुझे जल्दी ये चीज़ें पता चली, मीन्स 30 साल की एज में मुझे ये चीज़ें क्लियर हो पाई। मैं सोचता हूँ कम से कम मुझे 22 21 में पता होती तो बहुत जल्दी मैं गवर्नमेंट सेक्टर में होता, प्राइवेट सेक्टर में इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। तो अब चलिए, यहाँ पे हमारे पास 3 स्लॉट हो गए हैं 20 20 मिनट्स के। पहला जो स्लॉट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट था उसे हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन मोड में हमने उसे डाल दिया कम्प्लीटली। अब हम उसे इस 5 घंटे में, 4 घंटे में हम उसे स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। हम उस 4थे घंटे में हमने ये जो 5वां सब्जेक्ट था ई, इसको हमने क्या कर लिया है, स्टडी करना शुरू कर दिया है। इसे थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत हौच पौच हो गया है। अब आप देखें कि ए बी सी डी और ई जो है इसमें से हमारा अभी ये जो है ये रिवीजन में जा चुका है, ये 5वें स्लॉट में चला गया है। तो हम ये 20 मिनट्स में क्या कर रहे हैं, इसको
रिवीजन कर रहे हैं। ये जो ई है ये आपका फर्स्ट वाले स्लॉट में चला गया है, पहला घंटा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये चौथे में जा चुका है, यहाँ चला गया है अभी, और ये कहाँ आ गया है, आपका रिवीजन वाले स्लॉट में आ गया है। अब आप लोग इन्हें कॉन्टिन्यूस आप स्टडी कर रहे हैं, अब जो भी यहाँ से फिनिश होगा उसके लिए आपके पास जो सेकंड वाला रिवीजन वाला था उसमें 20 में आप उसको ले आओगे सेकंड वाले को, ठीक है। सेकंड वाले को ले आए आप, अब थर्ड वाले में क्या चल रहा है, अभी आप इन तीनों को रिवीजन को जो आपको करना है वो 20 मिनट्स में करना है क्विकली। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है कि मुझे कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, क्योंकि रिवीजन आप लोग अगर कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको याद होगा, और कुछ ना कुछ नहीं आपको 30-40% याद कहीं ना कहीं होगा। अब क्या होगा, इसी तरह से जब आप आगे चलेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि जब मेरा ये थर्ड वाला फिनिश होगा तो फिर मुझे ये 20 कहाँ से मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे कि जो ये रिवीजन का आपका चल रहा था, जो पुराने आपके सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा था इन दोनों का, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे कि यहाँ आप अब डिवाइड कर देंगे इसे 10-10 में, ठीक है। अब ये 10-10 के स्लॉट आप बना लेंगे इसको, जब ये 10-10 के स्लॉट आपके पास 6 स्लॉट्स हो जाएंगे, ठीक है, 1 घंटे में आपके 10-10 के 6 स्लॉट्स हो गए। अब इसमें आप ए को रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आप बी को रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आप सी को रिवीजन कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस चलेगा लगभग आपका इसमें हो जाएगा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आ गया आपका, ठीक है, आप 3 मंथ्स में लगभग आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ये जो सेकंड पोजीशन है कि आप 10-10 के स्लॉट में आ गए हैं। इसे अगर आप इसी तरह से चलाते गए तो आप क्या करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका जो ये पांचों सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट जो थे, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके रिवीजन मोड में आ जाएंगे, ठीक है, रिवीजन मोड में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से मैजिक शुरू होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में जब भी आपके ये सब्जेक्ट, आपने एक रीडिंग इसकी फिनिश हो चुकी है, याद नहीं करना है, रीड करना आप लोगों को, ठीक है, रिपीटिशन में रीडिंग करनी है। अब ये जब आपके फिनिश हो गए हैं तो इसका मतलब आपके ये स्लॉट आपके सारे खाली हो चुके हैं, गॉट इट। अब आपके ये सारे स्लॉट खाली हो चुके हैं चारों, तो अब आप क्या करेंगे कि ए को रिवीजन मोड में डालेंगे इसमें, बी को रिवीजन मोड में यहाँ। अब आपका देखिए, आप 4 महीने में ही सारे आपके जितने सब्जेक्ट्स थे, सारे सब्जेक्ट आपके सब रिवीजन मोड में आ गए हैं। अब आपको इतना टाइम नहीं देना जितना आप यहाँ दे रहे थे, मीन्स अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते आपने 4 महीने लगाए हैं तो आप उन पूरे टॉपिक्स को, जो 4 महीने के टॉपिक थे, उन्हें 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ अब आ जाइए एमसीक्यू मोड्स पे, आपको क्या करना है, एमसीक्यू करने हैं हर सब्जेक्ट के, लगभग आपको 1 घंटे में 500 MCQs बनाने हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास मुझे जो इजी चीज़ें हैं वो तो आपको याद हो चुकी होंगी, अब 5 आवर्स जो आएगा उसमें आपको कंटिन्यूस आपको क्या करना है, 1 घंटे को जो है उसको आपको दो चीज़ों में डिवाइड कर देना है। आप 40 मिनट क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, और जो 20 मिनट होंगे उस 20 मिनट में आपको सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, और इतनी स्पीड से वो एमसीक्यूज करने हैं कि आप उन्हें 1 घंटे में लगभग आप 500 MCQs क्रॉस कर जाएंगे। हर क्वेश्चन को आपको, अभी मैं बताऊंगा कि एमसीक्यूज में आप कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएं, एमसीक्यू पढ़ने में कैसे स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, आप कैसे 1 घंटे में लगभग आप 2000 MCQs भी कर सकते हैं, 2000 MCQs भी आप 20 मिनट्स में भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं, रोज़ रिवाइज करना है ये। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं कि हर घंटे को आपने 2 में डिवाइड किया है, और यहाँ आप 40 मिनट्स में डिटेल जो आपने लिखा है उसे बहुत क्विकली आप लोगों को गो थ्रू करना है। 40 मिनट में आप पूरा जो आपका 4 महीने का था उसे आप रिवीजन कर लेंगे, और 20 मिनट जो था आपका वो एमसीक्यूज में आपका जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली आप इसे कर पाएंगे, बहुत ईजी है। जितना हौच पौच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना वो आपको दिमाग में भी बन रहा होगा, लेकिन जब आप इसे पेज पर 2-3 बार करेंगे, अपने लिए एक पेज लेंगे, ओके, अपने उसमें सब्जेक्ट्स लिखिए, जैसे कि हमारा
हम बात करें कि यहाँ पे आपने हिस्ट्री लिख लिया, ये आप जियोग्राफी कर रहे हैं, ये आप एप्टीट्यूड कर रहे हैं, एप्टीट्यूड के साथ में आपको रीजनिंग करनी है, रीजनिंग के साथ में आपको मैथ्स करना है, ठीक है, और उसके साथ में आप चलिए हिंदी मान लेते हैं, चलो हिंदी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को करना, या इंग्लिश लिटरेचर ले लेते हैं क्योंकि चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर के बाद ज़्यादा होती है, तो इंग्लिश लिटरेचर ले लिया मैंने। अब देखिए मैंने क्या किया, हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, तो 3 महीने में मैंने हिस्ट्री की एक एक रीडिंग ख़त्म कर ली है, ठीक है। 3 मंथ्स में मैंने क्या किया, एक रीडिंग ख़त्म कर ली। अब उसके बाद आप आगे चलिए, 3 मंथ्स के बाद आप उसे रिवीजन में जाएंगे, तो आपका जो 3 मंथ्स में आपने पढ़ा है उसे आपको 40 मिनट्स में रिवीजन करना है, आप इजीली कर लेंगे। ये आपका डिटेल स्टडी हो गया, ये आपका एमसीक्यूज हो गया, ये आपके क्या चल रहे थे जो टाइम स्लॉट्स थे, ठीक है। आप ये आप बना के चलिए इस चीज़ को कि कैसे आप करेंगे, करना आपको ही है। फिर आपका जियोग्राफी हो गया, आप पहले आप लोगों को क्या करना है, वन बाई वन आपका ये स्लॉट आपका रिवीजन स्लॉट है शुरुआत में, जिसे आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे सॉरी। आप क्या करेंगे, पहले ये 20 मिनट का था, ठीक है, 20 मिनट के आपके 3 स्लॉट्स आपने बनाए थे, फिर आपके आपने क्या किया, इन्हें फिर से तोड़ दिया, तो आपका क्या क्या करेंगे, इधर हो गया आपका 10 10 का हो गया, ये 10 10 का हो गया, 10 10 में आप इनके रिवीजन करेंगे। अब ये मत सोचिए कि कई बार बीच बीच में मिस हो जाता है टाइम, तो आप उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर मैनेज नहीं भी हो पाता है तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उसको करना है, लेकिन आप इसे अगर बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, 10 10 मिनट्स भी रिवीजन अगर आपने किया है, जो टॉपिक आप 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 आवर जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन के लिए आपको 10 मिनट्स इनफ होते हैं, ये मैंने देखा है, ठीक है। अब आपको ये मान के चलिए कि जब आप इस प्रोसेस को लगभग 6 मंथ चला चुके होंगे या इसको फॉलो कर चुके होंगे, तो आपका जो रिवीजन का टाइम आएगा, वो रिवीजन का टाइम आपका बहुत हार्डली आप 1 घंटे में पूरी की पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है, एक पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, उसे आप कर सकते हो। फिर आप उसे अल्टरनेट डेज में डाल दीजिए, जैसे आपने आज इंडियन हिस्ट्री के, अगर आपके पास में एंशियन, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री 3 पार्ट हो गए इन केस, तो आप क्या करेंगे कि अल्टरनेट डेज में डाल दीजिए। एक दिन आप क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, एंशियन को रिवाइज़ करेंगे, फिर आप एक दिन मेडिवल को रिवाइज़ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे मॉडर्न को करेंगे, तो इसमें आप लोगों का क्या होगा कि एक एक घंटे में आप हर दिन कर सकते हैं इसको। फिर कहीं ना कहीं अगर आप वर्किंग भी हैं तो आपके पास एक दिन आता है संडे, जैसे मैंने मैंने पर्टिकुलरली संडे अपने लिए रखा रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, या जिस टाइम प्रैक्टिस कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो संडे को मेरा एक टारगेट रहता था कि संडे को मैं किसी एक बुक को रिपीटेडली बहुत अच्छे से दोबारा गो थ्रू कर लेता था। जैसे मुझे अगर मुझे हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री के 3ों पार्ट या ज्योग्राफी के 3ों पार्ट जो हैं उनको मैं क्या कर लेता था, निकाल लेता था। फिर इसके साथ में आप लोगों को एक अपनी नोटबुक भी प्रिपेयर करनी है। नोटबुक क्या कीजिए कि नोटबुक एक इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि जो आपके टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, टफेस्ट क्वेश्चंस को आप रखिए, मींस टफेस्ट मतलब इन दी सेंस कि आपको नहीं पता, नहीं पता थी वो चीज़ें और आपको अभी पता चल रही हैं, उन चीज़ों को फिल्टर आउट कीजिए। तो ऐसे अगर आप पर डे अगर 10 क्वेश्चंस को खुद के लिए ऐड करते हो, तो 1 महीने में आपके लगभग 300 क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको आज तक नहीं पता थे, तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको खुद लगेगा, आप खुद फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर 1800 क्वेश्चन ऐसे आपको याद हो जाते हैं 6 महीने में, जो आपने आज तक सुने नहीं थे या जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं था या जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो 1800 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं या 1800 नई चीज़ें क्लियर हो, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो होपफुली कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको करना क्या है। अपने जो सब्जेक्ट्स हैं एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आपको क्या करना है। हमारा जो पूरा एम है वो ये है कि सारा जितना है उसे रिवीजन पोर्शन में ले आना है। और ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट सेक्टर का सिंपल रूल जो मैंने आज तक एनालाइज किया है, वो आपका 2 ईयर्स की प्रेपरेशन का है, ठीक है।
आप 2 ईयर्स की प्रेपरेशन अगर लग के करेंगे तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि आप क्या कर रहे हो, रिवीजन मोड में हो ना कि स्टडी मोड में। जैसे कि आपने क्या किया कि 3 महीने आपने बहुत जम के पढ़ाई कर दी, आपका नॉलेज बहुत अच्छा था, आपका 20% से आपको नॉलेज था 20% और आप पहुंच गए थे 80% पे, लेकिन फिर आप एक ब्रेक ले आए बीच में, ठीक है, आप फिर से कितने पे आ गए हैं, 40% नॉलेज पे आ गए हैं। अब आपने बहुत टाइम बाद फिर से शुरू की, फिर आप 80% पे आए हैं, फिर आपने ब्रेक ले आए, तो आप वो 2 साल के बीच में अगर आप 2 या 3 ब्रेक ले लेते हैं तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो बार बार वापस आ जाती है। तो आपको ब्रेक नहीं लेना है, आपको क्या करना है, एक बार मेहनत कीजिए, 6 या 8 महीने जमकर मेहनत कीजिए, और जितने आपके ये 5 सब्जेक्ट हैं इनको आप कहाँ ले आएंगे, रिवीजन मोड में लेके रहिए। और जब आप एक बार रिवीजन मोड में ले आएंगे तो फिर उसे छोड़िए मत, फिर आपके लिए लगभग 5 घंटे या 4 घंटे इनफ होते हैं लगभग सारी चीज़ों को रिवीजन करने में। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको कहूँ कि हो सके तो किसी न किसी को वो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको आता नहीं है, थोड़ा कम आता है, उस पर स्ट्रगल कीजिए और किसी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब आप किसी को नहीं पढ़ा सकते तो खुद एक पेज लीजिए, अपने आप को पढ़ाइए, आपको उस सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो शेयर जरूर।